well done, Mr. Anil. अगर 1000 रुपए कीमत हो तो ये पेंटिंग मेरी है. ये रहा मेरा कार्ड. Congratulations. Thank you. आपने तो तस्वीर में जान डाल दी है. ये मैं इस काबिल कहा हूँ? फूल को क्या मालूम कि वो कितना सुंदर है, उसकी सुगंध कितनी मोहक है. ओह प्लीज. लगता आप थके हुए हैं. चलिए गाड़ी में आराम कीजिए. ऐसा लगता आपको पेंटिंग का बहुत शौक है. हाँ है तो बहुत, लेकिन जब भी ब्रश हिलाती हूँ तो सूरत की जगह समंदर बन जाता है. आपकी उंगलियां इतनी खूबसूरत हैं, इनमें आकर ब्रश की भी किस्मत जाग जाए. मजाक मत कीजिए. मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ. कोशिश करके देखिए. आप गाइड करेंगे? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता. अच्छा एक बात बताइए जी, ये जो चित्र आपने अभी बनाया है, इसका कोई हकीकत से संबंध है या एक कोरी कल्पना है? ये क्यों पूछ रही हैं? यूं ही पूछ लिया. कलाकार जब किसी रचना का निर्माण करता है तो कल्पना हकीकत बन जाती है और हकीकत कल्पना. लेकिन वो देखिए, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ. सुनिए ये पेंटिंग मेरी होगी, मुंह मांगे कीमत दूंगी. मैं कल आ रही हूँ. बाय बाय. अरे तुम्हें कमीशन किस बात की देता हूँ? अगर बाजार का ये हाल है तो खरीद लो. हाँ खरीद लो. हाँ आइए अंकल, चलिए खाया करो और फिर चाल चला करो. अंकल आपको खाने के अलावा और कुछ याद रहता है? पहले कमाना और फिर खाना. बात तो ठीक है, पर आपके घोड़े का क्या होगा? ये तो फंस गया. थैंक यू. नो नो अंकल, दिस इज नॉट डन, दिस इज चीटिंग. अंकल आपसे अच्छा तो पलवी खेलती है. आखिर बेटी किसकी है? नेचुरली आपकी है. बेटी तुम आपसे कहाँ थी? अरे पापा मैं आपको बोल के गई थी ना, पहले आर्ट गैलरी जाऊंगी फिर मेरे फ्रेंड के यहाँ, लेट हो गई. डिमॉन्स्ट्रेशन कैसा रहा? सुपर. अच्छा सतीश, पहले उसने एक वल्चर बनाया, फिर उसके सीने में पेटल घुसा दिया, फिर उसने कैनवस के पीछे सेलो टेप लगा दिया और सामने से ऐसा रंग भर दिया जैसे उसके सीने से ताजा खून टपक रहा हो. आई सी, इट मीन्स द वल्चर इज डेड. क्रूअल. पापा लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे. पापा मैं उस तस्वीर को खरीदना चाहती हूँ, मैं रिजर्व करके आई हूँ. अच्छा अच्छा क्या? यस पापा. नो मैं तंग आ चुका हूँ, जब भी कोई एग्जीबिशन होती है तो मैं एक पेंटिंग उठा लाती हूँ. तो क्या बुरा करती हूँ? क्यों सतीश? नहीं ये तो अच्छा शौक है. अच्छा अच्छा आप भी मिल गए, हो गया कल्याण. ओ पापा प्लीज. नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने घर को आर्ट गैलरी नहीं मनाना. लीला खाना लग गया क्या? लगा दिया साहब. चलो भाई मुझे बहुत भूख लगी है, खाना हो. मुझे भूख नहीं लग रही. देखा खाने की भूख नहीं है, पेंटिंग की भूख है. भाई मुझे तो आज भूख लगी, इसकी भूख तो कल पूरी हो जाएगी. ओह पापा मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी. चलो सतीश. हाय ग्रेट आर्टिस्ट. हाय. मैंने कहा था ना मैं आऊंगी, ठीक वक्त पे आई. यो कहिए कि वक्त से पहले आ गई. अरे मेरी वो पेंटिंग कहाँ है? कौन सी? जिसे मैं खरीदने आई हूँ. मैंने आपसे कहा था ना मुंह मांगे की मत दूंगी. अनिल साहब आपकी वो अनमोल पेंटिंग मेरे दिलो दिमाग पे छाई है और मैं उसे हर हालत में पाना चाहती. जब आपने उसे अनमोल कहा है तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं. जी जी, जो उस पेंटिंग का इतना कदरदान है मैं उसका नाम तक भी नहीं जानता. उसका नाम है मिस पल्लवी. मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट. ओह मैं कितनी खुशकिस्मत हूं. मुझे भी खुशकिस्मत बना दीजिए, मेरी एक बात मांगकर. ऐसी क्या बात है? मेरे साथ किसी होटल में चलिए और खाना खाइए, अगर आपको इतराज ना हो तो. अगर आपको इतराज ना हो तो मेरे साथ चलकर किसी होटल में खाना खाइए. चलिए चलिए.
माशाल्लाह, आप क्या कर रहे हैं? मैं पेंटिंग की डेमोंस्ट्रेशन से इतना थक गया हूँ, सोचता हूँ कल शहर से दूर किसी एकांत जगह में बिताऊं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या मैं चल सकती हूँ? क्यों नहीं, इससे खुशी की बात मिली और क्या हो सकती है। तो मैं चलूंगी। वैसे आप रहते कहाँ हैं? ये रहा मेरा कार्ड, तो कल मैं आपको पिकअप कर लूं। ठीक है, ओके, चले चल चल। हेलो पल्लवी, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ लेकिन आपका फोन बार बार इंगेज 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 मिल रहा है। वही हाल इधर भी था। क्या मतलब? तुम्हारा फोन भी इंगेज मिल रहा था। यानी हम दोनों एक ही लाइन पर एक दूसरे के लिए इंगेज थे। चुप क्यों हो गई? क्या कर रहे हो? सपनों से चुरा कर दिल के कैनवस पर एक तस्वीर बना रहा हूँ। किसकी? अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा, फोन क्यों कर रहे थे? याद दिलाने के लिए। कल बाहर चल रहे हैं ना? हाँ हाँ जरूर। तो तुम तैयार है ना? मैं सुबह तुम्हें पिकअप कर लूंगा। ओके, और कुछ? और कुछ कल। गुड नाइट। गुड नाइट। साहब जी, खाना ठंडा हो रहा है। बहादुर काका जी, हमें खाना ठंडा करके भी खाने की आदत है। हम तो इतना जानते हैं कि तस्वीर बनाते बनाते कभी कभी आप अपने आप को भी भूल जाते हैं। बार बार भूलना, बार बार याद करना। हजूर काका, कल सुबह हम बाहर जा रहे हैं, दोपहर का खाना नहीं खाएंगे। बहुत अच्छा साहब जी। कितना अच्छा लग रहा है, शहर से दूर इन पहाड़ियों के बीच, दूर तक फैली हरियाली और इन बादलों की लुका छुपी। क्यों ना इस माहौल में खो जाऊं? नहीं। क्यों, आपको खो जाना अच्छा नहीं लगता? एक तस्वीर। हाँ, रात को तुमने फोन पे बताया था, देखो। अभी तो खाके भी तैयार नहीं हुए, जब रंग भर जाएंगे तब खुद में खुद जान जाओगे। बताओ ना। मैंने 100 बार ख्यालों के बनाए खाके, एक सूरत है जो रंगों में सवरती ही नहीं। ख्यालों के बनाए खाके।
की लचक मांगे है डाली डाली जो कई फूल खिला जाती है अंगड़ाई से झूम कर आती है सावन की घटाओं की तरह और लिपट जाती है आकर मेरी तन्हाई से मुझसे उस शौक की तस्वीर उतरती नहीं मैंने सौ बार ख्यालों के बनाए खाके कितना रंगी है वो शबनम में नहाया सा बदन जिसका छूने के लिए प्यार है बेताब मेरा काश वो हुस्न समा जाए मेरी बाहों में जिसकी चाहत में परेशान है हर एक ख्वाब मेरा उसकी खुशबू मेरी सांसों में बिखरती नहीं मैंने सौ बार ख्यालों के बनाए खाके एक सूरत है जो रंगों में समरती नहीं मैंने सौ बार ख्यालों के बनाए खाके लीला पापा कहाँ है उपाब ऊपर है आओ आओ ना जरा नीचे आइए देखो कौन आया है कौन है पापा ये है फेमस आर्टिस्ट मिस्टर अनिल कौल हेलो कल वो पेंटिंग जो तुम खरीदने गए थे खरीदने तो गए थे पापा लेकिन इन्होंने प्रेजेंट दे दी प्रेजेंट दे दी कौल साहब ऐसी चीजें देते रहेंगे कीमत नहीं लेंगे तो खर्चा पानी कैसे चलेगा मेरा मतलब है प्रेजेंट सबको नहीं दिए जाते मेहता साहब इन्हें पेंटिंग का शौक है मुझे प्रेजेंट देते हुए अच्छा लगा मेरा क्या है मैं 10 मिनट में फिर से बना लूंगा अच्छा अच्छा बैठिए ना प्लीज बैठिए इनके कुछ खाते रहते करो बैठ एक्सक्यूज मी मुझे जरूरी काम से जाना प्लीज बैठो अच्छा पल्लवी मैं चलता हूँ बैठो प्लीज बैठो ना एक्चुअली पापा को खाने पीने का बहुत शौक है खैर आप क्या लेंगे नो फॉर्मेलिटी तकल्लुफ की क्या बात है मैंने कहा ना मुझे जल्दी है फिर किसी दिन ऐसे भी क्या जल्दी है एक कप चाय नहीं पी सकते लीला नहीं नहीं जिद मत कीजिए कोई इंतजार कर रहा है क्या जा यही समझ लीजिए कौन है बताने से क्या फायदा खुद ही आके देख लीजिए ठीक है खुद ही आऊंगी और आपका स्टूडियो भी देख लूंगी तो फिर कल मैं आपका इंतजार करूंगा हाँ मैं जरूर आऊंगी मैं चलूं ओके सफाई कर रहा था
मैं तो समझ रही थी छोटा स्टूडियो होगा। पेंटिंग बनाने के लिए कमरे की लंबाई चौड़ाई की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक छोटे से कैनवस की। पर देखा गया है चाहे वो कलाकार हो, कवि हो या लेखक, अपने चीजें संभाल कर रखना नहीं जानते। उनका काम होता है सृजन करना, सजाने सवारने का भार होता है उनके चाहने वालों पर। अच्छा, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, फाइन। एक बात पूछूं? पूछिए। आपकी कुछ तस्वीरों में जिंदगी है, बहार है, उमंग है, और कुछ में वीरानापन है, उदासी है, सुनापन है, क्यों? कलाकार के पास अपना कुछ नहीं होता, जो कुछ भी उसे कुदरत से मिलता है उसे अलग अलग रंगों में भर के दुनिया को वापस कर देता है। मैं समझी नहीं। जब मुझे खुशी मिली, बहार मिली, मेरे रंगों ने मस्ती बिखेर दी। जब मुझे दर्द मिला, वीरानापन मिला, सुनापन मेरे रंगों में समा गया। इतने बड़े घर में एक नौकर की आवाज छोड़कर किसी और की आवाज सुनाई नहीं देती, यानी औरत की आवाज थी। औरत की आवाज घर के कोने कोने में बिखरी हुई थी, उसकी हंसी से मेरी जिंदगी आबाद थी। ये थी मेरी खुशी, मेरी आवाज, मेरी पत्नी बिंदु। बिंदु को शिमला की पहाड़ियों से बड़ा लगाव था। हम हर साल शिमला की पहाड़ियों में चेका करते थे। पिछले साल भी हम शिमला की पहाड़ियों में चेक रहे थे। बिंदु के मनपसंद गीत से वादियां गूंज रही थी। अचानक वो मिठास, वो गीत, वो हंसी कुदरत ने अपनी बाहों में समेट लिया। मतलब? बिंदु 2500 फुट गहरे खड्डे में खो गई, और खो गई मेरी उमंग, मेरे जीवन का हर कोना सुना हो गया। ओह, मुझे बहुत दुख है, मैंने आपके दर्द को अनजाने में छेड़ दिया। मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं आपको देखकर बिंदु की याद आ गई। खैर छोड़िए, मैंने भी कहां का राग छेड़ दिया, बेकारी में आपको उदास कर दिया। चलिए इस उदासी को खुशी में बदल दे। कहां? चलिए चलिए। सुंदर जगह है अनिल, हम लोग यहीं आया करेंगे। नहीं पल्लवी। क्यों? यह कुदरत के हसीन नजारे मेरे बीते हुए दिन की याद दिलाते हैं, मेरा दिल कांप उठता है। बीते दिनों की याद को भूल जाओ अनिल, जिंदगी में प्यार में खो जाओ। शायद मेरी किस्मत में नहीं है।
अंधेरों से मुझे प्यार हो गया है और अब उजाला, लेकिन कब तक? ओहो, कैसी बातें करते हो कलाकार महाशय, जरा बाहर चलकर देखिए कितना अच्छा मौसम है। चलो चलिए चलिए। देखा अनिल, मैंने कहा था ना कितना सुहाना लग रहा है ये ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके। जी चाहता है यहीं पर बैठे रहे, है ना? अरे चुप क्यों हो गए, कहां खो गए थे? कुछ साल पहले की एक शाम में, उस वक्त तक बिंदु मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मैं कॉटेज में अंधेरों से लिपटा पड़ा था, वो मुझे बाहर ले आई। वो एक आजाद पंछी की तरह चहक रही थी। मैं चुप था, उसकी सुंदरता में खो गया था। उसने भी मुझसे पूछा, तुम चुप क्यों हो, कहां खो गए? हम दोनों कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन अल्फाज जैसे ओठों पे आके चिपक गए। मेरे हाथ उसके कंधों पे इसी तरह से रखे हुए थे। वो कांप रही थी। अरे तुम भी कांप रही हो, ठंड कुछ ज्यादा हो गई है। मैं तुम्हारे शॉल लेके आता हूं। उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। नहीं नहीं अनिल, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। जी चाहता है इन गहराइयों में डूब जाऊं। तुम अनिल, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बिंदु। चुप रहो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी पत्नी मर चुकी है। जानती हूँ, तुम्हें तो क्या, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं बच गई डाली, मैं बच गई। किसी ने सच कहा है कि मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है। क्या मतलब? सच पूछो तो मौत ने तो मुझे पकड़ लिया था, लेकिन भगवान ने बचा लिया। आप कौन हैं? चुप रहो। पल्लवी, पल्लवी। अब बताओ तुम्हें यहां किसने भेजा है और तुम यहां क्या करने आई हो? तारी, तुम्हें मुझ पर शक क्यों हो रहा है? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बिंदु नहीं दिखाई देती, जिसे तुम प्यार से बिंदिया कहा करते थे, अपने माथे की बिंदिया? बकवास बंद करो। अनिल, तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। मेरी बीवी मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। मेरे सामने पहाड़ी से गिरी थी और जहां से गिरी थी वहां से कोई बच नहीं सकता, उसकी लाश का भी पता नहीं चल सकता। मैं कब कह रही थी मैं नहीं गिरी थी, लेकिन एक खड्डे में उलझ गई थी, जो बाद में मुझे अस्पताल में बताया गया। 6 महीने के लिए मैं अपनी याददाश्त खो चुकी थी। जब अस्पताल से बाहर आई तब तक तुम जा चुके थे। मैंने तुम्हारे एग्जीबिशन के बारे में अखबार में पढ़ा और पता लगाते लगाते यहां तक आ गई। अनिल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं ही जानती हूं मैं किस तरह यहां पहुंची हूं। ये सब क्या हो गया? मेरे प्यार को ये कैसा धोखा है, कैसा धोखा? बंद करो ये नाटक और सीधी तरह बताओ तुम कौन हो। अनिल, क्या यही था तुम्हारा प्यार? तुम तो एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकते थे, और आज मुझे अपनाना तो दूर, मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो।
क्यों क्यों अनिल क्यों? क्या उस लड़की के लिए? बंद करो ये ड्रामा के डायलॉग्स, मुझे नहीं सुनने। तुम चाहे कोई भी हो लेकिन तुम इस घर में नहीं रह सकती। फौरन यहां से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाता हूं। बुला पुलिस को, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने घर अपने प्यार से दूर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, देखता हूं कैसे नहीं जाती। मुझ पर दया करो, भगवान के लिए मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ अनिल। मुझ पर दया करो, मुझे मत करो अनिल, ये मेरा घर है। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। तू मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी मर चुकी है। पल्लवी, मैं अनिल बोल रहा हूं। पल्लवी तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं उसे दूर करना चाहता हूं। हेलो पल्लवी, पल्लवी तुम अभी तक यही हो? बेशरम, फौरन यहां से चली जाओ। क्या कहां जाओ? जहन्नम में। मेरी जगह तो इन चरणों में है। देखो तुम्हारी इस एक्टिंग का मुझ पर जरा भी असर नहीं हो सकता है, समझी? मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपनी बीवी न सही दासी बनकर रहने दो। अगर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो खुशी से करो, तुम्हारी खुशी ही मेरी जिंदगी है। लेकिन मुझे अपने घर से मत निकालो। ताला बंद करो। बहादुर, बहादुर काका। आया साहब जी। इस लड़की को छक्के मार के बाहर निकालो, मैं इसकी परछाई भी नहीं देखना चाहता हूं। काका, क्या तुम भी मुझे? बिटिया, सुबह ही सुबह। क्या मतलब? पल्लवी कहाँ है? वो तो मैं भी कह रही हूँ, वो भी सुबह ही सुबह आउट हाउस में। सुनो साहब, साहब। पल्लवी। ओ, हेलो। लगता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर सो नहीं सके। नहीं नहीं, ठीक हूँ, बैठो। मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया हूं, रात भर सो नहीं सका। लगता जो कुछ तुमने देखा सुना उससे तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्लीज अनिल, इस समय नहीं। मैं कल से बहुत परेशान हूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं यही तो बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी। ना ना अनिल, इस बात को छोड़ दो, मैं इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहती। अच्छा हो कि तुम मुझे इस वक्त अकेले ही छोड़ दो, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन पल्लवी प्लीज। बहादुर काका, बहादुर। तो
बहादुर काका। साहब जी, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस औरत की परछाई भी नहीं देखना चाहता, तो फिर ये औरत इस घर में क्यों है? साहब जी, मैं मालकिन को कैसे? मालकिन वो इस घर की मालकिन नहीं है। साहब जी, ओ, ओ। Proudly present the world famous spider web ballet. Ek jaal hai ye duniya, hum khud ye jaal bunte hain, khud phansate hain. मकड़ी की तरह अपना करते ये हाल, रोते हैं कभी हंसते हैं. जाल 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 जाल. Thank you.
कि मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सो। तो फिर कहां सो? जहन्नम में। मुझसे पूछती हो बेशरम कह के कितनी गिरी औरत हो। अपने पति के साथ उसके बिस्तर में सोना अगर नीचता है तो मैं नीच हूं। वैसे शादी के बाद तो मैं हमेशा तुम्हारी हम बिस्तर रही हूँ। खबरदार जो तुमने मुझे अपना पति कहा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। ओफो, तुम मुझे पागल कर दोगी। क्या तुमने मेरे बदन से कपड़े उतारे? अनिल, ये कोई नई बात तो नहीं है। देख क्या रहे हो? मैंने कुछ नया कह दिया क्या? बकवास बंद करो, यहाँ से चली जाओ। अपनी बीवी के सामने तुम्हें शर्माती है तो मैं इस हालत में कैसे जाऊं? ठीक है मैं मुंह फेर लेता हूँ। सच सच बताओ, मुझ में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया है जो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो? इसलिए कि मेरी बीवी मेरे सामने 2500 फुट से गिरकर मर गई। तुम्हारे आने के पीछे जरूर कोई राज है। कोई राज नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं आता तो शिमला हॉस्पिटल से पूछताछ क्यों नहीं कर लेते? Shimla. Yeah, lightning call to Shimla. My number 532149. 532149. Huh? Shimla Hospital. Ji, mere paas number nahi hai. Yeah, please. It's very urgent. Okay, thank you. हेलो शिमला हॉस्पिटल, मैं अनिल कॉल बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल में बिंदु कॉल नाम की कोई पेशेंट थी? हाँ, कुछ दिन पहले। जी हाँ, 6 महीने रही, उनकी याददाश्त ठीक हो गई थी। जब ठीक हो गई तो यहाँ से चली गई। बाबूजी कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं, बाहर गार्डन में। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
क्या? मुझे गलत मत समझो। अपने आंखों से देखने के बाद भी? कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो सकता है। भले तो मुझसे बात मत करो, प्लीज मुझे गलत मत समझो, उस पर विश्वास करो। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। अनिल, तुम्हीं ने मुझे अपनी पत्नी का चित्र दिखाया था, हू बहू वही शक्ल सूरत, जरा भी फर्क नहीं। उसके वो आंसू, उसका गिड़गिड़ाना, नहीं अनिल, ये झूठ नहीं हो सकता। ओफो, मैं कैसे समझाऊं? दरअसल ये नाटक मेरी पत्नी के प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए हो रहा है, जो उसके मरने के बाद मुझे मिली थी। अगर ये सच है तो तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस? हाँ, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, मैं उसके आंसू से नहीं खेल सकती। ये तुम्हारी कोरी भावुकता है। हो सकता है, मगर मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का घर उजाड़ती है। पल्लवी? नहीं, अब और कुछ नहीं। पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। सी यू। काबू में आने की देर है। वेरी गुड। शिकारी तुम्हारे जैसा लाजवाब हो तो शिकार की हस्ती क्या? उम्मीद है कि मिशन बहुत जल्द कामयाब होगी। थैंक यू, लेकिन वो मैं तुम्हारी उलझन समझता हूँ। घबराओ नहीं, होशियारी से काम करो, तुम पर जरा भी आज नहीं आएगी। वो तो समझी, पर ये कपड़ों के मामले में मजबूरी है। फिलहाल दो ही साड़ियों से काम चलाओ, वरना एक छोटी सी भूल से राज खुल जाने का डर, समझी? ओके, गुड लक। ये दोनों जिस बोगली के नाते में दारू पीकर के भांगड़ गायब होता। अबे, दारू पीकर झगड़ा करते हो? नहीं माई बाप, हम दारू नहीं पिए थे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी शराब नहीं पिए, मैंने तो दूध पिया है। दूध पिया है दूध, पर बात आती है बेवड़े का, मेरे कोई गलती नहीं है, ये भैया से पूछ लीजिए। माई बाप, ये हमारा दूध पी के मार मार के हमारा हालत खराब, हालत तो जब खराब करता है हमारा दारू पी दूर। भैया को छोड़ दो, अंदर कर दो, अंदर तो हम लोग कितना अंदर करेंगे। भैया को छोड़ दो, इंस्पेक्टर साहब आप भी दूध पी के देखिए, आप मेरे इतना हिचकिया में लेने लगे तो राजपूत मेरा नाम नहीं है। चले भैया, ये तो बाकी दूध की जगह दारू है। हमारे कोनो गलती नहीं माई बाप, हम तो दूध में पानी मिलावट है, और मुंशी पार्टी के नाम से लेके आज हमका मालूम नहीं कि पानी की जगह दारू कहां से आई। देखा ना इंस्पेक्टर साहब, इसके मन में दारू आती है, इसकी पोल खुल गई। आपने जो दूध पिया है क्या? मैं कमेन कमेन, थैंक यू। मैं आपसे कुछ सलाह लेने आया हूं, मामला कुछ सीरियस है, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। आपका शुभ नाम? अनिल कौल। अच्छा अच्छा, आप वही मशहूर आर्टिस्ट अनिल कौल हैं? जी हाँ। माय प्लेजर। आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ पड़ी जो कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ा? कहीं कोई पेंटिंग तो नहीं चोरी हो गई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है, मेरी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। अच्छा, क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, मैं शॉर्ट में अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि इसका उससे संबंध है। हाँ हाँ, आप तफसील से बताइए। जी सर, मैं दिल्ली में रहता था, लगभग 1.5 साल पहले
शिमला में मेरी पत्नी एक्सीडेंट में घुसर गई। ओह, आई एम सॉरी। उस हादसे को भुलाने के लिए मैं दिल्ली छोड़ के बंबई आ गया, और अब कुछ देर पहले एक औरत आती है और जबरदस्ती अपना हक जमा रही है। कहती है मेरी पत्नी मरी नहीं, जिंदा है, बल्कि खुद अपने आप को मेरी पत्नी कहती है। बिंदु, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा अजीब मामला है। जी, इसी वजह से तो आपको तकलीफ देनी पड़ रही है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन अनिल साहब, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी शक्ल, सूरत, हाव भाव सब कुछ अलग होंगे। यही तो उलझन है इंस्पेक्टर साहब, कि उसके हाव भाव, शक्ल सूरत मेरी पत्नी से मिलते जुलते हैं, और वो अपने हर व्यवहार से ये साबित करना चाहती है कि वही मेरी पत्नी है। ऐसे लगता है आप किसी जाल में फंस गए हैं। एक बात बताइए, उसे आपकी पत्नी बनने से फायदा क्या, शोहरत या और कुछ? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी पत्नी के मर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिली। हो सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए सारा जाल बुना गया हो। एक बात बताइए, इस प्रॉपर्टी का कोई और भी हिस्सेदार है? मेरा मतलब कोई भाई बहन या करीबी रिश्तेदार? और किसी के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन बिंदु की एक सगी बहन है तरला, जो काफी अरसे से रोम में रह रही है, लेकिन प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं है। क्यों? बिंदु ने मुझे बताया था उनके पिताजी ने उसके चाल चलन के कारण तरला को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। मामला काफी संगीन है। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं कमिश्नर साहब से बातचीत करके आपको फौरन इत्तला दे दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड। थैंक यू। हेलो। हेलो, तुम? मैं सीआईडी ऑफिसर से मिलकर आ रहा हूं। क्यों? पलवी, मैं बहुत परेशान था। मैंने सौरभ के बारे में सब कुछ बता दिया, अब पुलिस भी मेरी मदद करेगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया अनिल, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे। उम्मीद तो है, लेकिन तुम उस औरत के बारे में किसी से जिक्र मत करना। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो हेलो मेहता साहब। हेलो, बैठिए ना। अच्छा, मैं चलता हूं। देख रहा हूं। पल्लवी जी, मैंने तुम्हें लाठ प्यार दिया, आजादी दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बेशर्मी की हद हो जाए। पापा, सुबह शाम जब देखो उसके साथ, तुम्हें अपने स्टेटस का, अपनी पोजीशन का भी ध्यान नहीं। मॉडर्न होने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी भी अरे घरे के साथ घूमती फिरोगी। पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, हरिदास ने दिमाग तक पास कर दिया। क्या कह रहे होंगे वो, क्या सोच रहे होंगे? अंकल, क्या बात? बात क्या है? गलती मेरी है, मैंने आजादी दी, उसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी इज्जत पे उंगली उठाए। अंकल प्लीज, आप शांत हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर हाई है। चले गए थे, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों, कोई नया नाटक है क्या? कोई नाटक नहीं, सच कह रही हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए वो चीज लाई हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आती है। क्या है? बैठो तो। पहले बताओ। ओफो, बताती हूँ, पहले बैठो तो। तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, अभी आई। Thank you.
चलो। क्या है? खुद ही देख लो ना। ओ, रबड़ी? कई महीनों से नहीं खाई है ना, जानती हूँ। इसलिए दिमाग खराब हो रहा है। इसे खा लो, सब ठीक हो जाएगा। देख क्या रहे हो? खा लो ना। अगर सचमुच तू मेरी पत्नी होती, तो तुम्हें मालूम होता कि सबसे पहला चम्मच मेरी पत्नी के मुंह में होता। और तुम मुझे, यानी कि अपनी बीवी को सचमुच पहचान लेते, तो तुम्हारे हाथ का ये चम्मच बगैर कुछ कहे मेरे मुंह में होता। हेलो, यस, ही इज हियर, होल्ड ऑन प्लीज। हेलो, हाँ मैं अनिल बोल रहा हूँ। मिस्टर अनिल, मैं इंस्पेक्टर कपूर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। बात यह है कि मैंने आपका केस कमिश्नर साहब से डिस्कस किया है, उन्हें मामला काफी दिलचस्प लगा है और इसलिए उन्होंने ये केस मुझे सौंप दिया है। हमने शिमला पुलिस को कांटेक्ट किया है और वहां से इस केस के बारे में पूरी जानकारी मंगवाई है। जी, यही नहीं, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को मौका वारदात पर भेज दिया है। आप चिंता ना कीजिए, उम्मीद है कि हमारी कार्रवाई का नतीजा जल्दी ही सामने आ जाएगा और सारा राज खुल जाएगा। लेकिन हाँ, आप एकदम होशियार रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जोश में आके आप कुछ ऐसा कर बैठे जिससे बिंदु को आप पे शक हो जाए और वो यहां से भाग निकले। यस सर, यस सर। आप उस पे कड़ी निगरानी रखिएगा, अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे फौरन फोन कीजिए। ओके, यस सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। किसका टेलीफोन था? मेरे क्लाइंट का फोन था। क्यों, किसी के फोन का इंतजार था क्या? नहीं तो, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। यू टकटकी लगाए क्या देख रहे हो? हेयर स्टाइल कब से बदल दिया है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुमने मेरी तरफ नजर भर के देखा तो। जानते हो, जब मैं पहाड़ से गिरी थी तो मुझे बहुत सारी चोटें आई थी। अस्पताल में जख्मों के कारण मेरे बाल काट दिए गए थे। तब से मैंने हेयर स्टाइल चेंज कर दी है। देखना चाहते हो? ये देखो। और भी देखना चाहते हो? बस बस ठीक है। Thank you.
इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग, मैं अनिल बोल रहा हूँ, अनिल कॉल। अनिल जी, आप बेफिक्र रहिएगा, आपके केस की तफ्तीश बाकायदा जारी है और जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा। थैंक यू सर। दरअसल फोन मैंने इसलिए किया था कि रात को मेरे साथ एक अजीब सी वारदात हो गई। क्या हुआ? रात को मैं कमरे में सो रहा था कि अचानक एक आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि एक आदमी मेरा ब्रीफकेस खोल रहा है। मैं उस पर झपटा, वो मेरा हाथ छुड़ा के अंधेरे में गायब हो गया। वैसी उस ब्रीफकेस को किसी कपड़े में लपेट के यहाँ ले आइए ताकि चोर की उंगलियों के निशान न मिटे। हैं? ओके इंस्पेक्टर साहब। जी एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, वो अपना कैप मेरे कमरे में छोड़ गया। वेरी गुड, उसे भी आप साथ ले आइए। आप बिल्कुल मत घबराइए, लगता है कोई गैंग आपका पीछा कर रहा है, लेकिन हम इसका जल्दी ही पर्दाफाश कर देंगे। ओके, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं भी आता हूं। डांस किया करती थी, वही जिंदगी अच्छी थी। Thank you.
का जादू, मैं फिर में हर सू नजरों का नश्तर चुभा जाएगा, आज हो जाएगा फैसला, वो सबका देखेंगे हम हौसला, चेहरे पे पर्दा पर्दे में जलवा जलवा जो देखेगा खा जाएगा, आज हो जाएगा फैसला, ओ सबका देखेंगे हम हौसला, ओ सबका देखेंगे हम हौसला, ओ सबका देखेंगे हम हौसला। मिस्टर जैन, हम मिस्टर सिंह दोनों जेंटलमैन, दोनों आपके फैन, आप महान कलाकार हैं, हम दोनों ने फैसला किया है ये चांस ये रोल आपको ही दिया जाए। जी हाँ, हमें आप ही की तलाश थी सच्चे दिल से, आप मिल गए, दिल के फूल खिल गए। फिर किस बात के लिए? आप लोग कहीं फिल्म वाले तो नहीं? मैं काफी धोखा खा चुकी हूँ। हमारा काम जरा ऊंचे दर्जे का है। कैसा? निहायत नाजुक और अहम, जिसमें बहुत बारीक एक्टिंग की जरूरत है, जो आपके लिए बहुत आसान है। मैं समझी नहीं। मैं बताता हूं, ओह माय गॉड, मेरी तस्वीर? लेकिन मैं इस व्यक्ति को तो नहीं जानती। आप लोग कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? ये मेल ब्लैकमेल ही होता है मैडम। घबराइए नहीं, न तो ये तस्वीर ही आपकी है और ना ही आप इस आदमी को जानती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस औरत की जगह आप इस आदमी की बाहों में दिखाई दें। What? Yes. ये फ्रॉड है। आपने इस औरत को किडनैप तो नहीं किया? हम लोगों ने नहीं किया, ऊपर वाले ने किया, यानी मर गई। शायद इसीलिए भगवान ने आपको इसका हमशक्ल पैदा किया है, ताकि आप इसकी प्रॉपर्टी की मालिक बन सके। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मेरी शक्ल सूरत इस लड़के से मिलती जुलती है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका रहन सहन मुझसे बिल्कुल अलग होगा। नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक काम है, इसमें बड़ा रिस्क है। इसमें जरा भी रिस्क नहीं है मिस रत्ना, हम आपको बिल्कुल परफेक्ट करके भेजेंगे। फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई तो? और फिर पुलिस का चक्कर तो होगा ही। पुलिस का कोई चक्कर नहीं होगा, हम बंबई में आपको अपने चीफ से मिलाएंगे, वो आपको गाइड करेगा, बहुत बड़ा आदमी है, आपको माला माल कर देगा। साहब क्या कर रहे हैं? वो तो कभी के चले गए। मैं जरा घबरा गई हूँ, लगता है यहाँ के लोग होशियार हो गए हैं और पुलिस के भी हम पर आ गए हैं। कल रात की ब्रीफकेस वाली बात अनिल ने पुलिस को बता दी है और वो ब्रीफकेस पुलिस के पास पहुँच गया है, जिस पर तुम्हारे साथी की उंगलियों के निशान हैं। समझ गए? मुझे तो बहुत डर लगता है,
फौरन यहां से निकालो वरना नकर में। लेकिन जॉन साहब आप उस पर कड़ी नजर रखिए। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब ये रहा वो ब्रीफकेस और फेल्ट कैप। तशरीफ रखिए। थैंक यू। अभी पता चल जाएगा कि ये किसी पुराने अपराधी का काम है या कोई नया खिलाड़ी मैदान में आया है। मिस्टर चौहान इसे मिस्टर देश पांडे के पास ले जाइए। उंगलियों के निशान लेने हैं। हाँ हाँ ये अनिल साहब का है और उनसे कहिए कि इसके फोटोग्राफ लेके फौरन सामंत को देते। यस सर। मिस्टर कपूर जी इस घटना के बाद मेरी और परेशानी बढ़ गई है। आप अपनी हर परेशानी हमारे हवाले कर दीजिए और खुद निश्चिंत हो जाइए। हमारे आदमी हर ट्रैक पे काम कर रहे हैं। मुजरिम का बच के जाना नामुमकिन है। आप शांति से काम लीजिए। अच्छा मैं चलू। बिल्कुल मैं आपको फोन करता हूँ। ओके ओके थैंक यू। वाह वाह वाह। लोग कहते हैं कि खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा आने से निखार आ जाता है लेकिन मुझे तो तुम्हारी परेशानी पर प्यार आ रहा है। सतीश मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर किस तरह का मजाक करूं? शट अप। मुझे या टेलीफोन को? हेलो। हाँ ओके ओके बाय। कमाल है तुम तो टेलीफोन पर भी शॉर्ट में बात करती हो। मैं पूछ सकती हूँ तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि कौन साहब थे? बताऊं? हाँ नहीं बताऊंगी। कमाल है नहीं बताऊंगी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कितनी देर कर दी है? मैं क्या करूँ अनिल डैडी घर पे थे वे चले गए तो आप आई। बुरा मत मानना डैडी बहुत नाराज है। क्यों? तुम्हारे लिए। तुम अब घर मत आया करो लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं हम लोग ऐसे मिला करेंगे। लेकिन कब तक? पल्लवी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं मजबूर हूँ डैडी मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। और तुम? मैं क्या करूँ उन्हें कैसे समझाऊं? जब तक तुम ये साबित न कर पाओ कि तुम्हारी पत्नी गुजर चुकी है मैं कुछ नहीं कर सकती। बस ये बात है मैं बहुत जल्दी साबित कर दूंगा बहुत जल्दी। चले इसको। हेलो मैं बिंदु बोल रही हूँ। क्या खबर है? थैंक गॉड। कभी किसी रोज जो मैं न रहूंगी रह जाएगा ये तराना जन्मों के नीर दिलों की। तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों इतना तड़पाते हो? तड़पा रही हो तुम? बिंदु के बेस बाग में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम मेरी बीवी नहीं हो। मुझ में ऐसी क्या कमी है? ऐसी कौन सी हरकत की है मैंने जो तुम अपनी दुनिया को नहीं पहचानते? तुम क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारा प्यार वो नहीं मिलेगा। अनिल तुम एक चित्रकार हो जो बात हजार शब्द नहीं समझा सकते वो एक तस्वीर समझा सकती है और एक तुम हो जो अपनी जीती जाती बीवी को नहीं पहचानते। दगा फरेब तुम जैसी औरत का दूसरा नाम है। तुम पति हो इसलिए सब कुछ कह सकते हो लेकिन जिस अधिकार से तुम मुझे दूर फेंकना चाहते हो वो अधिकार मैं लेकर ही रहूंगी। तुम्हारी आत्मा सो नहीं सकती अनिल। जिस रहस्य के पर्दे में तुम छुपे हो उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। मत जाओ मत जाओ तुम मेरी जिंदगी हो मुझे स्वीकार करो अनिल। कहीं ऐसा ना हो कि जोश में आके आप कुछ ऐसा कर बैठे जिससे बिंदु को आप पे शक हो जाए। आई एम सॉरी डार्लिंग मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।
तुम्हें मेरी बिंदु हो, तुम्हें मेरी बिंदिया हो। घबरा क्यों रही हो? तुम ही तो मेरे पास आना चाहती थी। कांप क्यों रही हो? ये समझो, आज ही हमारी शादी हुई है, आज ही हम हनीमून मनाएंगे। बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें, बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है। पल्लवी, 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 तुम तो कभी कहोगे नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे साथ चली चलूं। कहाँ? जहन्नम में? बाहर निकलो। ऐसे भी क्या नाराजगी, चलो ना। मैं कहता हूँ बाहर निकलो। अरे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? अचानक? मैं रोज रोज का ये खेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। खेल? प्लीज अनिल, तुम्हारे साथ घूमे हुए मुझे कितने दिन हो गए हैं, चलो ना। Shut up and get out. छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। लोग तो गैरों को भी लिफ्ट दे देते हैं। एक इंसानियत के नाते कम से कम मुझे चौराहे तक तो छोड़ दो। ओफो। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मुझे फास्ट ड्राइविंग कितनी अच्छी लगती है? डार्लिंग, ये रॉकेट का जमाना है। गाड़ी ऐसे चलाओ जैसे जेट उड़ता हो। डार्लिंग, मुझे गाड़ी चलाने दो ना। कितने दिन हो गए मैंने गाड़ी नहीं चलाई। प्लीज दो ना, प्लीज। क्या तुम भूल गए कि मैं गाड़ी कैसे स्टार्ट करती हूँ? घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें तो पसीना आ रहा है। इतना डर क्यों गए? तुम्हें तो मेरी फास्ट ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती थी। क्या अब मुझ पर विश्वास नहीं रहा? भागो मत। मैं पूछो कौन हो तुम, क्या हकीकत है तुम्हारी? इसने तुम्हें सिखा पढ़ा के मेरे पास भेजा है, किसके इशारों पे चल रही हो? बताओ, अपने दिल के इशारों पर, अपने भूले भटके पति को सही राह दिखाने के लिए। चुप रहो, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम पैसे के लिए किसी के लिए काम कर रही हो। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, कितना पैसा चाहिए बोलो। पैसे? अगर मुझे पैसों का लालच होता तो मैं दिल्ली की जायदाद कब की हासिल कर चुकी होती। मुझे रुपया नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार। हर मौज का तुम्हारा एक, लेकिन इतना याद रखो,
मैं तुम्हारा ये खेल कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। बोलो बोलो तुम, बोलो बोलो तुम। मैं अभी पता लगा लेता हूँ। बोलो, मेरा विश्वास करो। पहुँचाइए इसे। बोलो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा? अनिल साहब, दखलंदाजी की माफी चाहता हूँ। मियाँ बीवी के झगड़े सड़क पर तमाशा बन जाते हैं। इधर से जा रहा था, आप लोगों को देखा इसलिए रुक गया। सॉरी। तो सुनो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये कौन सी अदा है? जब कश्ती किनारे पर पहुंचने वाली है तो तुम पतवार फेंकना चाहती हो? तुमने पतवार क्यों पड़ी है? उस कमीने ने मार मार के मेरी हालत खराब कर दी है। अम्मा, ये तो प्यार की मार है। गुलाब जैसे गालों को मार मार के सेब की तरह लाल कर दिया और तुम कहती हो। न जाने कौन सी ऐसी मनुष्य खड़ी थी जो तुम्हारे फंदे में फंस गई। फायदा ही हुआ ना, तुम हमारे फंदे में फंसी और वो मशहूर चित्रकार तुम्हारे फंदे में फंसा। सौदा बुरा नहीं, दो और दो चार, क्या हो चित्रकार? तुम लोगों को मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। कह दिया ना, मुझसे सब कुछ नहीं हो सकता। बस थोड़ा सा और बाकी, पूरा होते ही कब होगा? बस एक आखिरी झटका और उसके बाद समझो पटका। तुम अपना झटका और पट्टा लिए फिर रहे हो, लेकिन मुझे तो ये खटका है कहीं वो मुझे जान से ही ना मार डाले। हम छाया की तरह तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। बस दो दिन की तो बात है, ड्रामे का क्लाइमेक्स और फर्स्ट ड्रॉप से। दो दिन में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों की एक भी नहीं सुनूंगी। मंजूर। बहुत उनके लिए कल रात तक की बात बन जाए। अच्छा, बहुत देर हो चुकी है, तुम जाओ। और सुनो, आज रात जरा सावधान रहना। ओके। जिस बिंदु को आप जालसाज और नकली समझ रहे हैं वो दरअसल ईमानदार है, सच्ची है, असली है। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, पुलिस ने पूरी तरह से तफ्तीश की है और हर मामले की जांच बड़ी बारीकी से की है। ये, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। वक्त और हालात की वजह से कभी कभी सच्चाई झूठ बन जाती है, लेकिन अंत में हकीकत उजागर होती है और झूठ का अंधेरा खुद ब खुद छट जाता है। लेकिन वो सड़ो गज नीचे खाई में गिरी जरूर थी, लेकिन मरी नहीं। वो काफी नीचे गिरी, घायल हुई और अंत में एक पेड़ से जाके अटक गई। आपके और मिसेस कॉल की किस्मत अच्छी थी कि एक रेंजर ने उन्हें वहां देख लिया और उन्हें उठाकर शिमला के एक अस्पताल में ले गया, जहां कई महीनों तक उनका इलाज हुआ, तीमारदारी हुई और अंत में ठीक होकर वापस आपके पास लौट आई। रेंजर का बयान, अस्पताल के चार्ट और पुलिस की रिपोर्ट से साबित होता है कि वही औरत आपकी बीवी है। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको खुशी नहीं हुई? जी, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी पति को क्यों नहीं पहचान पा रहा। ओके ओके। हाय, क्या बात है, टेलीफोन करके क्यों बुलाए? क्या बताओ पल्पी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस का कहना है बिंदु जिंदा है, यही औरत मेरी पत्नी है। ये तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम सच्चाई स्वीकार क्यों करते हो? सच्चाई नहीं है, झूठ है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है। क्या? पिताजी ने मेरी शादी तय की है, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती अनिल। तो ये बात है, क्या तुम उनसे थोड़ी सी मोहलत नहीं ले सकते, सिर्फ 24 घंटे की? मैं ये साबित कर दूंगा ये औरत मेरी पत्नी नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी।
मैं चलती हूं। I want a lightning call to Rome. मैं अनिल कॉल बोल रहा हूँ। मेरा नंबर है 5353-2149, 5352149. Rome number code 01-01-537-001. Mrs. Tarla PP. Mrs. Tarla PP. Hello? 20 minutes? Madam, it's a very urgent call. बॉम्बे से ओफो तरला, प्लीज सुनो, तुम जैसे भी तुम फर्स्ट फ्लाइट से बॉम्बे पहुंच जाओ, बहुत जरूरी काम है। तरला तरला, भला अपने से अपने घर वालों से कोई कैसे नफरत कर सकता है? ये बात नहीं है तरला, मेरी जिंदगी का सवाल है। सब हो सकता है, कल तुम्हें शाम से पहले यहां पहुंचना ही होगा। मेरा पता नोट करो, जू रोड, बंगला नंबर 6, फोन नंबर 5321-49। एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे फोन करना। ओके ओके। हेलो मिस्टर कपूर। ओ हेलो हेलो अनिल साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हो, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। फरमाइए। आज शाम को मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाइए, एक छोटी सी पार्टी है। जरूर हाजिर हो जाऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं चलता हूँ। हाँ पल्वी, मैंने तुमसे 24 घंटे का समय मांगा था, सो आज शाम तो मेरे घर आ रही हो। मेरे साथ होने वाले ड्रामे का आखिरी सीन देखोगी, तब तुम समझ जाओगी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। मैं साबित कर दूंगा कि औरत
मेरी पत्नी नहीं है बल्कि एक चालबाज और फरेबी औरत है। सच? हाँ तुम आओगी ना? हाँ अनिल मैं जरूर आऊंगी। हेलो अनिल। हेलो, बड़े अच्छे मौके में मिले। क्यों, कोई खास बात है? जी हाँ, सड़क पे होने वाले मियाँ बीबी का तमाशा जो कल आपने देखा था उसका आखिरी सीन आज हमारे घर पे होगा। अच्छा, थोड़ा सा वक्त निकालेंगे? जरूर, पल्लवी भी आ रही है? जी हाँ। तब तो मैं जरूर आऊंगा। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। ओ श्योर श्योर। सुनो, कहीं बाहर जा रहे हो? यूं ही जरा बाजार तक। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा जो कल हुआ। ये क्या कम खुशी की बात है कि तुम्हारे हाथ मेरे गालों तक तो पहुंचे? देखो बिंदु, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। आज शाम मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी का जिम्मा तुम पे है। ठीक है, मैं बहादुर काका को सब समझा देती हूँ। और कुछ? बाद में। बहादुर काका, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्हें ऊपर वाले कमरे में भेज देना। अच्छा साहब जी। तुम नहीं हो सकती, तुम नहीं हो सकती। हेलो हेलो तरला, तुम कहां से बोल रही हो? वेरी गुड, मैं 10 मिनट तुम्हें लेने आता हूं। वेरी गुड, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। हेलो अनिल साहब, मैं इंस्पेक्टर चौहान हूँ। कपूर साहब ने कलवा भेजा है कि वो कमिश्नर साहब के साथ जरा मीटिंग में बिजी हैं, उन्हें आने में देर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो मुझे इजाजत? आप कहाँ जाएंगे? आज खुशी के मौके पे आप शामिल नहीं होंगे क्या? आइए। ओ आइए, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू वेरी मच। हाय अनिल। हेलो पल्लवी, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक यू। बाय द वे इंस्पेक्टर चौहान, माय फ्रेंड मिस पल्लवी। हेलो। हेलो, हाउ डू यू डू? फाइन। आओ बैठो। अब आप बताइए कि आप क्या पिएंगी, ठंडा या गरम? ठंडा। ये बात हुई ना कुछ? बिंदु, अरे भाई और कितनी देर लगेगी किचन में? मेहमान कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? आती हूं। प्लीज। थैंक यू। बिंदु, ये इंस्पेक्टर चौहान। हेलो। नमस्ते। और पल्लवी मेहता। हेलो। हेलो, आप बैठिए ना। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में आता हूं। शायद किचन में बहुत मेहनत की है आपने। जी हाँ। जी, क्या बात है, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? ऐसा क्या अर्जेंट काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम था। चलो पहले मेहमानों से मिल लो। मैं अपना ड्रेस तो चेंज कर लूँ।
ओफो, कपड़े बाद में बदलेंगे, पहले मेहमानों से तो मिलो। आओ आओ। ये है मिस पलवी। हेलो। और ये इंस्पेक्टर चौहान। हेलो। और ये आपकी छोटी खबर क्यों दी गई थी? क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे झगड़ा किया करती थी, इसलिए कि मैंने तुम्हारे मर्द के खिलाफ शादी करके विदेश में रहने लगी थी। दीदी, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें नहीं मालूम जब मैंने सुना कि तुम मैं मर चुकी हूँ। तरला, सच पूछो तो मैं मर ही चुकी थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। तो फिर मुझे बचने की खबर क्यों नहीं दी गई? इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया। लेकिन ये सब इस नाटक के आखिरी सीन का पर्दा तुम्हारे हाथों से खुलवाया जाए ताकि लोग गवाह रहे और इस धोखेबाज औरत को पहचान सके। अरे जीजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि तुम्हारी बहन नहीं है बल्कि उसकी कोई हमशक्ल है जो बिंदु की दौलत को हासिल करने के लिए अपना हक जमा रही है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर अनिल, सब कुछ जानने के बाद भी आप ये कैसी उल्टी बातें करने लगे? उल्टी बातों को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब। आपके पास जितने भी सबूत है सब गलत है, और जो सही है वो तरला है। तरला अच्छी तरह जानती है औरत मेरी बीवी नहीं है, इसकी बहन नहीं है। ये झूठ है। आप भले ही अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर दें, लेकिन एक बहन अपनी बहन को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। हम दोनों सगी बहनें हैं। क्या बकती हो? बकती नहीं, कहती हूँ जो सच है। समझ में नहीं आता कि आप सच्चाई पे पर्दा क्यों डाल रहे हैं। आपने मेरी दीदी की क्या हालत बना दी है, और दीदी तुम्हें कैसे सहन करती हो? ऐसी साड़ियां तो दीदी हमारे यहाँ नौकरानी भी नहीं पहनती थी। दीदी तुम तो लाखों की मालकिन हो, कहाँ गए हो तुम्हारे कपड़े, कहाँ गए हो तुम्हारे हीरे मोती? अल्लाह, मुझे कपड़े जेवर कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पति का प्यार चाहिए। शट अप। जी जाजी, आप पागल तो नहीं हो गए? कहीं दौलत की लालच में तो आप इन्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार नहीं कर रहे? ओ, समझा, इस जाल के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। नॉनसेंस। तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से तुम्हें जायदाद में से बेदखल कर दिया गया, तुम्हें बहुत अफसोस हुआ। बिंदु की मौत की खबर पाने के बाद उसकी जायदाद को हड़पने का एक नया रास्ता निकाला, और उसकी हमशक्ल इस औरत को सब कुछ सिखा के मेरे पास भेज दिया। ब्यूटीफुल, बहुत खूब। तो ये इल्जाम लगाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था? दीदी की मौत की खबर मुझे किसने दी? तुमने। टेलीफोन पे गिर गया कि मुझे यहाँ आने को किसने कहा? तुमने। तरला। एक्सक्यूज मी साहब, ये अचानक आपको क्या हो गया है? हॉस्पिटल रिपोर्ट और पुलिस की डायरी से ये साबित हो चुका है कि आपकी पत्नी श्रीमती बिंदु कौल मरी नहीं, वो बच गई, और आपके द्वारा दिया गया इनका बयान हॉस्पिटल रिपोर्ट से हूबहू मिलता है। अनिल, तुम ये शक अपने दिल में क्यों जमाए बैठे हो? इनकी चाल ढाल, इनकी बातचीत, इनके आदतें। लेकिन पलवी, ऐसे फरेबी के लिए किसी की नकल करना आसान है जबकि शकें भी मिलती हूँ। पर कल तो आपने पुलिस स्टेशन पर ये कबूल किया था कि हाँ किया था, इसीलिए इंस्पेक्टर कपूर को बुलाया था ताकि तरला की जुबानी सच्चाई सुन सके और इस राज का पता फर्श हो जाए। और वो हो चुका है, ये इनकी बहन और आपकी पत्नी है। नहीं। पर तुम इनकार क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मर चुकी है। नहीं, वो मेरे सामने पहाड़ी से नीचे गिरी थी, लेकिन वो झाड़ियों में टक गई थी। ये सब झूठ है। कैसे, आपने देखा था? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे सामने 2500 फुट गहरे खड्डे में गिरी थी जहाँ से उसकी हड्डियों का भी पता नहीं चल सकता। लेकिन आपने तो बताया था कि उस दिन कोहरा छाया हुआ था। जी। और इसलिए आप ये नहीं देख सके कि वो झाड़ियों में टक गई थी। और इसलिए शायद तुम्हें गलत फहमी है कि वो मर चुकी है। हाँ, वो मर चुकी है। नहीं, वो जिंदा है। नहीं नहीं, वो जिंदा नहीं है। आपके पास क्या सबूत है? हाँ बताइए, वो जिंदा क्यों नहीं रह सकती? हाँ अनिल, वो जिंदा क्यों नहीं रह सकती? हाँ, वो जिंदा नहीं रह सकती। पर क्यों? 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 क्यों?
क्यों 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 क्योंकि उसे धक्का देने से पहले मैं उसका गला घोट चुका था। थैंक यू अनिल साहब, आपने मेरी गुत्थी बहुत जल्द सुलझा दी। जी हाँ, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि आपको मैं अपना पूरा परिचय दे पाता। मैं दिल्ली सीआईडी का स्पेशल ऑफिसर सतीश भटनागर हूं। थैंक यू पल्लवी रालिंग, तुम नहीं होती तो शायद मैं इस केस को कभी नहीं सुलझा पाता। घबराइए नहीं रत्ना देवी, अगर आपको पहले पता चल जाता कि आप पुलिस के लिए काम कर रही हैं तो शायद अपना काम इतनी खूबसूरती से कभी नहीं कर पाती। कला देवी, थैंक यू वेरी मच। काका जी साहब, तुम्हारा काम हो गया? जी साहब। गुड। इंस्पेक्टर, चलो किस्सा खत्म हुआ। मुबारक हो बड़ी मालकिन। काका, आज इस खुशी में ऐसा खाना बनाओ जो जिंदगी में पहले कभी ना बनाया हो। जरूर जरूर, इतने बड़े काम में मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसका तुम्हें पूरा मेहनताना दिया जाएगा। मेहनताना? लेकिन छोटी मालकिन, आपने तो हिस्से की बात की थी। आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए बहादुर काका। जी हाँ छोटी मालकिन, मैं अपनी औकात भूल गया था। तो जाओ, जाकर खाना बनाओ। अभी बनाता हूं। क्यों दीदी, मैंने ठीक कहा था ना, इस जायदाद से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, न तुम न तुम्हारा पति। बेचारा। और बहादुर काका। हाँ, अपराधी से अपराध कबूल करवा रहा था। वो तो कब का हो चुका। तल्ला देवी, आपने बहादुर काका के जरिए बिंदु की हमशक्ल डांसर का पता देकर पुलिस का काम बहुत आसान कर दिया। वाकई आपने बहुत कमाल का काम किया है सतीश जी। थैंक यू। लेकिन वो दौलत जो बिंदु की मौत का कारण बनी आपको भी हासिल नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि मैं घर छोड़कर चली गई थी? नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि आपका प्लान कामयाब नहीं हुआ। क्या क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, आपने बहादुर को अपनी जायदाद का हिस्सा देने की लालच देकर अपने साथ मिला लिया और उसे साइलेंसर भरी रिवॉल्वर देकर अपनी सगी बहन का खून करवा दिया। How dare you? और वो भी ऐसा माहौल बनाकर कि सारा इल्जाम आपके जीजाजी अनिल कौल पर लगे और आपने यकीन कर लिया कि पुलिस को आपने बेवकूफ बना दिया। कला देवी, होशियार से होशियार अपराधी भी कभी ऐसी बेवकूफी कर बैठता है जो उसके खिलाफ सबूत बन जाती। कौन सा सबूत? आपके बंगले का जो टेलीफोन है ना, ये टेप्ड है, इस पर की हुई सारी बातें हमारे पास टेप्ड हैं। कल रात जो अनिल से आपने बात की और उसके बाद जो आपने बहादुर काका से बात की वो भी हमारे पास टेप्ड हैं। और इसके अलावा भी कोई सबूत चाहिए आपको? और जिसने कबूल किया है वो? वो तो एक ड्रामा था तल्ला देवी, जो पुलिस ने करवाया था। ये तो कोई सबूत नहीं हुआ।
और आपने जो बात कही वो तल्ला देवी, बहादुर काका ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है उस साइलेंसर लगी रिवॉल्वर के साथ। देखना है आपको इंस्पेक्टर? यस सर। रिवॉल्वर। मैडम अब आपका खेल खत्म हुआ, बाहर पुलिस जीप आपका इंतजार कर रही है। कमान ले जाओ सर, आप लोग भी जाओ। मिस अनिल थैंक यू वेरी मच, मुझे अफसोस है कि आपको काफी तकलीफ उठानी पड़ी। नो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय 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 बाय।